दोनों की कॉमन है बेटा। तो जैसे अगर मैं निकालना चाहूं, सॉल्यूशन डाल देते हैं अपना, ये जो फर्स्ट वाला है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसकी टेंजेंट स्लोप फॉर्म में क्या होना चाहिए दिव्यांशु? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ा है, लेकिन पैराबोला के लिए a अपॉन m होता है, ठीक है? अब इसमें क्या करना चाहिए मुझको? अब इसमें a की वैल्यू 1 हो गई ना अपनी, तो ये बनेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 अपॉन m। यहां पर क्लियर हूं मैं? यस सर। अब आप ये जो फॉर्म बना, ये टेंजेंट किसके लिए भी है? इस वाले के लिए भी। तो ये y की वैल्यू वहां रख दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और ये y की वैल्यू आ गई। ये कॉमन टेंजेंट वाला आईआईटी में आया इस बार 2022 में ही, सर्कल और पैराबोला को लेके, ठीक है? हाँ, वो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से डालेंगे ना, सेंटर से मतलब उसके, तो वो रेडियस के इक्वल रख देते हैं, वो कंसेप्ट से है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा, ये एम है बेटा, ये बनेगा एम एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपने पास 4 एम स्क्वायर एक्स प्लस 1, ऐसा होगा? यस सर। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक तरफ, ऐसा कुछ हो गया। अब टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट जो है किसी पर कर्व पर जब होती है तो एक पॉइंट पर छूके जाती है, टच करती है। एक पॉइंट पे होगी ना? यस सर। तो इसके लिए आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ? 0। यस सर। जब ये डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो आप लगाओगे ऐसे करके, 4m² का होल स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, 16m पावर 4 माइनस 16 16m इक्वल टू 0। कल ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कैलकुलेशन का। चलो, m की वैल्यू यहां पर क्या आ गई? 1। यस सर। ये एक देखो, यहाँ पे ये माइनस में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना? तो एम की वैल्यू 0 और एम की वैल्यू -1, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि भाई 0 यूज करोगे, 0 होने पे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है? तो आपका एम यूज होगा -1, तो क्या बनेगा अपने पास? वाई इक्वल टू -x - 1, ऐसे करके। क्यों? Yes. अब क्या करना चाहिए मुझे? एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू, भाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया अपना। ये कौन आया? टेंजेंट की इक्वेशन। यस सर। भाई अब वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि ये टेंजेंट तो इसको भी टच कर रही है सर्कल को, यानी केस हो गया ऐसा कुछ। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है रेडियस के इक्वल होना चाहिए यहां से, ओरिजिन से, सेंटर से। सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो वो रेडियस के इक्वल होगा, रेडियस है सी। तो अपने पास आ गया क्या? 0 + 0, परपेंडिकुलर निकाल रहा हूं बेटा मैं, 1 / √1 + 1 इक्वल टू, ये अपने पास रेडियस हुआ सी, तो सी इक्वल टू 1 / √, ठीक है? कल भी ये लगाया था हमने, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कैलकुलेशन। हो गया बेटा? यस सर। आगे बढ़ जाएं।
यस सर। लेट एल वन बी अ टेंजेंट टू द पैराबोला। एल वन एक अपने पास क्या है, टेंजेंट है, किस पैराबोला की, इस वाले के लिए, और एल टू टेंजेंट है इस पैराबोला की, सच दैट एल वन एंड एल टू इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। एल वन एल टू जो टेंजेंट दोनों की है वो आपस में 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। कितने एंगल पर बेटा, 90 डिग्री। देन एल वन एल टू मीट ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब कहने का मतलब जब L1 L2 होंगी तो उनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जब वो मिलेंगी कहीं, क्या कह रहे हो बेटा, ठीक है? Yes. वो जब इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट को आप सेटिस्फाई करके देखना कि कोई इक्वेशन ऐसी होगी जो सेटिस्फाई करे, ठीक है? Yes, sir. चलो ट्राई करो इसको। बन रहा है बेटा कुछ? चलो ऐसा करते हैं, हम इसकी स्लोप लेते हुए M1 या M डैश ऐसे कुछ भी है ना, एक स्लोप M1 लेते हुए हम इक्वेशन बनाते हैं टेंजेंट, वो होती है y इक्वल टू एम एक्स, एक्स के प्लेस पे x प्लस 4, ठीक है भाई? Yes. और प्लस a अपॉन m, a अपने पास वन है, ऐसे बनेगी क्या? Yes, sir. अब ब्रैकेट ओपन कर लो, एक मिनट, ये अपने पास x प्लस वन है, ठीक है ना, x प्लस वन है बेटा ये अंदर। अब यहां ब्रैकेट ओपन कर दिया और मैंने ना एक रिलेशन क्रिएट कर लिया ऐसे, ये बना दिया, क्या ये लाइन समझ में आ गई? Yes, sir. चलो फर्स्ट बोल देते हैं। अब ये फर्स्ट पैराबोला के लिए थी, सेकंड पैराबोला की क्या होगी, y इक्वल टू एम टू एक्स प्लस, और ये x के प्लेस पे x प्लस 2 जाएगा, प्लस a अपना 2 है यहां पर, क्या है ये, 2 अपॉन M2, क्या कहते हो? अब इसको भी, हाँ जी बेटा, इसको भी बेटा ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया अपने पास, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं, क्या मैं सही हूं? Yes. अब हम चर्चा करते हैं इन दोनों, ठीक है? मान लो इन दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, पहली बात तो ये कहां इंटरसेक्ट करती है, राइट एंगल, क्यों भाई? तो M1 M2 क्या होना चाहिए इस केस के लिए, माइनस वन, तो M2 क्या होना चाहिए, तो इसे बदल भी लो, इसे बदल ही लो, ये हो गया x अपॉन m1 माइनस का प्लस माइनस 2 1 अपॉन 2 m1 और ये 2 m1 माइनस, ऐसे क्या कहते हो, ठीक है? Yes. यार ये फिर से ना गड़बड़ हो गया है, अभी पता नहीं क्या करेगा, क्या हुआ भाई? चलो ये ना हम लोग क्या करते हैं, हम माइनस बाहर ही ले लेते हैं, सही है? Yes, दोनों से ऐसे। अब इसको अगर
थोड़ा सा और सिंपल बनाओगे तो क्या लिखोगे भाई, वाई इक्वल टू, थोड़ा सा ब्रैकेट वगैरह खोल करके मैं छोड़ दूं इनको, तो y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन एम वन माइनस टू अपॉन एम वन और माइनस टू एम वन, ऐसा बन गया ना, इससे इस वाली से नीचे वाली से, ठीक है बेटा? यस सर। अब जो मेरे पास दो कंडीशन बनी है टेंजेंट, एक और एक ये हो गई, इसे थर्ड कह दो, है ना, दो इक्वेशन हो गई थी या तीसरी। अब ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी। यस सर। तो हम क्या करते हैं, हमने ना लेट कर लिया अल्फा बीटा, क्या है ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है भाई, ये क्या है मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी इस जगह पर दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं दोनों टेंजेंट, भाई यही तो हुआ, दोनों टेंजेंट इसको इसको एक दूसरे को मतलब यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, क्लियर है? अब जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे अल्फा बीटा या एच के जो भी मानना चाहे, तो ये सेटिस्फाई करने चाहिए दोनों को, तो ये इक्वेशन क्या बनने वाली है, ये बनेगी बीटा इक्वल टू एम वन अल्फा प्लस एम वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एम वन, ये बनेगा ना यहाँ तो, यस सर। और इसका बीटा इक्वल टू इस वाले में माइनस अल्फा अपॉन एम वन माइनस टू अपॉन एम वन माइनस टू एम वन, ये अपना दूसरा हो गया, अल्फा अल्फा हो गए दोनों, ठीक है बेटा? यस सर। इन्हें एक काम करके मतलब एक चीज कर लेते हैं कि दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, इन्हें कैसे एक साथ ले लेते हैं, एलसीएम वगैरह बना करके एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक टाइप बनाते हैं एम में, क्योंकि एम में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो ये क्या बनने वाला है अपना भाई, ये हो गया एम वन बीटा इक्वल टू एम वन स्क्वायर अल्फा प्लस एम वन स्क्वायर प्लस वन, यहां से आपका एम वन स्क्वायर कॉमन अल्फा प्लस वन प्लस वन, ये एम वन बीटा, तो प्रॉपर वन के क्या आया एम वन स्क्वायर अल्फा प्लस वन माइनस एम वन बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, क्या ये बात समझ में आ गई फोर्थ वाली? ऐसे ही बेटा इससे नहीं बनाने चाहिए मेरे को क्या बीटा की मतलब इसकी फॉर्म में ही? यस सर। अब मैं क्या करता हूं, ये हटा लेता हूं यहां से और यहां पर बनाता हूं दूसरे वाली, यहां बनाते हैं हम इस वाले से, तो इससे कैसे बनेगा अपने पास एम वन बीटा हो जाएगा एलसीएम के बाद पूरा माइनस अल्फा माइनस टू माइनस टू एम वन स्क्वायर, क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अब इन्हें एक तरफ बना लेते हैं टू एम वन स्क्वायर प्लस एम वन बीटा प्लस अल्फा प्लस टू इक्वल टू जीरो, ऐसे बन गया अपने पास ये फोर और ये फाइव। अब इन दोनों का ना एक चीज समझो, ये दोनों इक्वेशन एक ही चीज है क्योंकि एक ही पॉइंट के पास में जा रही है, एक पॉइंट से पास हो रही है, और दोनों में एम की फॉर्म भी आई हुई है, समझ में आ रहा है मुझे कुछ? अब क्या करना चाहिए, मैं एम एलिमिनेट कर देता हूं, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड था ना कंपेयर टाइप का, तो वो लगेगा, देखो अल्फा प्लस वन अपॉन टू इक्वल टू इसमें होगा माइनस बीटा अपॉन यहां माइनस मतलब ये बीटा होगा इक्वल टू उधर हो गया अपना वन अपॉन अल्फा प्लस टू, ऐसा कुछ बनेगा क्या देखना? क्यों भाई देखो यस सर। अब ये तो वन हो गया यस,
अब अगर मैं मान लो इन दोनों को लेता हूं तो अल्फा प्लस वन इक्वल टू माइनस टू, और इन दोनों को लेता हूं तो भी इसी तरह का कुछ आएगा, अल्फा इक्वल टू थ्री माइनस थ्री वन माइनस, हाँ माइनस थ्री, तो अल्फा कौन था, ऐसे है ना ये दोनों तो, यस सर, तो एक्स वाला केस बना ना, यस, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, ए, क्लियर है मुझे, यस, चलो लगाओ इसको, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, है ना, डन सर, आगे बढ़े, यस सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 01 एंड टचिंग द पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 24, सेंटर है, द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ये, एंड टचिंग द पैराबोला, इस पैराबोला को टच कर रहा है इस पॉइंट को, ठीक है, सेंटर पूछा जा रहा है, सर्कल का क्या पूछा है बस आपसे, सेंटर, ठीक है भाई, चलो ट्राई करें बेटा, देखो उसकी बात समझो, उसने कहा कि जो सर्कल है वो 01, एक पॉइंट तो ये हुआ अपना, एक पॉइंट है 24, ठीक है, दो पॉइंटों से पास हो रहा है ना सर्कल, तो ये ऐसे लाइन बन जाएगी दोनों को ज्वाइन करके, yes, क्लियर है, देखो दोनों yes. से पास हो रहा है और सर्कल जो है वो टच भी कर रहा है पैराबोला को इस पॉइंट पर 24, मतलब ये पैराबोला को ऐसे टच कर रहा है, मुझे नहीं पता मैंने तो ऐसे बना लिया है, ठीक है, yes. सही है, ऐसी टाइप की कोई बना लेते हैं अपना, सही है बेटा, यस सर, चलो अब एक बात देखो कि अगर मैं इन दोनों से लाइन निकालना चाहूं ए बी तो क्या बनेगी, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम और एक्स माइनस एक्स वन, ऐसा कुछ होगा क्या, यस सर, क्या आएगा, क्या आएगा, फोर एक्स माइनस फाइव प्लस वन, ऐसा हो गया ना, ठीक है, यस सर, अब अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया जाए ऐसे तो वो सेंटर से होके जाता है, यस सर, और इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर दो आप ये वाली तो ये भी सेंटर से होके जाएगी, यस सर, तो क्या करना है, सेंटर तो मुझे पता ही नहीं है, तो एक इक्वेशन तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ये निकल लेगा, ये एम ले लो और इसे ले लो सी, तो सीएम की इक्वेशन निकालनी है, सीएम की इक्वेशन कैसे बनाओगे, इसकी स्लोप क्या आ गई, इसकी स्लोप हो गई माइनस इक्वल टू थ्री, तो एम टू माइनस वन अपॉन थ्री, और एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1, 3/2 नहीं 5/2 है ना, 5/2 भाई, एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दोनों को प्लस करके अपॉन टू, एक्स वन एक्स टू अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, क्या मेरी बात सही समझ में आ रही है, यस सर, लगा देते हैं अब इसको, ये स्लोप भी पता है इसका, पॉइंट भी पता है, तो हमारी इक्वेशन ये होगी वाई माइनस फाइव बाई टू इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, क्लियर हो गया,
yes. अब इसे इसे ऐसे लिखा जा सकता है, 3y-15 इक्वल टू -2x plus 2, क्लियर? yes, अब आप क्या करेंगे, एक तरफ ले आए 2x plus 3y equal to 70. सोचो ऐसी कोई इक्वेशन बन जाएगी क्या मेरी? yes, sir. गड़बड़ तो नहीं है? ए बी की जो हमने फॉर्म निकाली है सर, 6y होगा ना? हाँ, ये जीरो आएगा ना, ये गड़बड़ हो गया है यहाँ, ये गड़बड़ हो गया है वैल्यू रखते समय, समझ रहे हो? यस सर, सर कर लेंगे। हाँ, वो थोड़ा सा गड़बड़ आ गया वहां पर, तो ये हो जाएगा 4x plus 4, और इसको अब क्या लिखेंगे यहां पर, थ्री वाई और ये 4x equal to 19 बना भाई, समझ गए? यस। चलो एक इक्वेशन तो मेरे को ये मिल गई, अब दूसरी कौन सी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? ये कैसे निकालोगे? मैं कर रहा हूं नॉर्मल की इक्वेशन का फॉर्मूला याद है कुछ? भाई टेंजेंट की स्लोप निकाल के तब बना सकते हैं ना? yes. क्या होगी टेंजेंट की स्लोप? फॉर्मूला तो y-y = -1/m(x-x). आप सिंपल वाले पे चलते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दो, y′ = 2x। अब y′ किस पॉइंट पे निकाल रहे हो? 2, 4 पर, equal to 4। ये अपना m1 हुआ ना, इसके लिए m2 1/4 नहीं हो जाएगा माइनस में? yes. तो अपने को स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मिला? मिल गया? yes. अब क्या होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? y-y1 = m(x-x1), तो ये 4y-16 = -x+2, x+4y = 18, ये 2 हो गई। क्या कह रहे हो? yes, sir. अब इन दोनों का ही तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपसे पूछा गया है, ये yes. तो एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो, देखना क्या आया। डी क्लियर हो गया? yes, आगे चले। Yes. क्या बोला है इसमें? ब्लर हो गया। इफ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस, अच्छा ब्लर हो गया, अब ठीक है? yes, y = mx+4 is a tangent. इन दोनों पर tangent कौन है? y = mx+4, तो b की value आपसे पूछी है। अब ये देखो, parabola में
दो पैराबोला के साथ कभी कभी सर्कल और टेंजेंट नॉर्मल को लेकर के बड़ी बड़ी चीजें पूछी गई हैं, ठीक है ना बेटा? यस। चलो सोचो इसको, क्वेश्चन दिख रहा है ना मुझे? यस। देखो बेटा, इसमें ये अपने पास ऑलरेडी y इक्वल टू एम एक्स प्लस 4, ये टेंजेंट है, ठीक है बेटा? और इसकी टेंजेंट की फॉर्म क्या होनी चाहिए? y इक्वल टू एम एक्स प्लस a, a मेरा 1 है, 1 अपॉन। अब आप इन दोनों को जब कंपेयर करके क्या लिखोगे कि भाई 1 अपॉन m इक्वल टू 4, तो m इक्वल टू 1/4। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गया बेटा? यस यस। अब ये जो आपकी एक तरह से स्लोप है वो यहां रख दी जाए तो इक्वेशन क्या देगा मुझे? वो ऐसा इक्वेशन देगा, क्यों बेटा? इक्वेशन दे दो। अब ये जो टेंजेंट है वो इसके लिए भी है, तो आप y के जगह अगर रखना चाहेंगे तो ऐसा नहीं रखेंगे क्या? ये y की जगह पहुंच गया यहां वाले पे। अब इसे आप सिंपल बना ले, 4x स्क्वायर माइनस 2bx और माइनस 32 एक तरह से भी, क्यों भाई? 32 भी होना चाहिए ना? यस। ऐसा होगा क्या? यस सर। इसे डिविजिबिलिटी पे ले जा सकते हैं क्या हम लोग 2 से? यस सर। ऐसा होगा? Yes, sir। अब ये बताओ, जब किसी पैराबोला है उसको कोई टेंजेंट टच करती है तो एक ही तो पॉइंट होता है? Yes, sir। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जीरो? Yes। तो डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से तो अपना बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 128 बी इक्वल टू जीरो, बी की दो वैल्यू आ गई। Yes, है ना बेटा? Yes, अब अगर मैं यहाँ पे b जीरो रख लेता हूँ तो पैराबोला एक्स स्क्वायर वाला रह जाएगा बस। Right, sir। तो इसलिए ऑप्शन जो है d हो गया, तो 128 वाला। है ना बेटा? Yes, sir। चलो आगे बढ़े, नोट कर लिया? यस। नेक्स्ट है द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 0-1 एंड अ पॉइंट ऑन पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y इंटरनली इस रेशियो में 1:2 में करता है, ठीक है? द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये एंड एक पॉइंट इसका इंटरनली इस पॉइंट इसमें डिवाइड करता है 1:2, ठीक है? थोड़ा सोचे, चलो देखते हैं। हमने x1 y1 पॉइंट ले लिया कहां पर? पैराबोला पर, ठीक है बेटा? x1 y1 पॉइंट एक पैराबोला पे लेंगे तो क्या लिखा जाएगा भाई? ये हो जाएगा। यस। क्लियर है? Yes। अब एक hk पॉइंट ले लो, इसे p मान लो, इसे a पॉइंट ले लिया। ये p पॉइंट कौन सा है जिसका लोकस हमें निकालना है, जो डिवाइड किस रेशियो में कर रहा था? किस रेशियो में? 1:2। किस किस को डिवाइड कर रहा था? x1 y1 एंड
किसको? जीरो माइनस वन को, यही तो है अपना। अब जब मैं एच के लिए जाऊंगा तो एच के लिए क्या जाओगे? एम वन एक्स टू, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ठीक है भाई? ऐसे तो यहां से x1 क्या होना चाहिए? 3h अपॉन 2, सोच लो। yes. ठीक है। yes. और ऐसे ही अपना k ले लेते हैं, ठीक है ना बेटा? क्या लिखोगे के के लिए क्या जाएगा अपना? एम वन वही वाई टू, टू इंटू माइनस, तो वन इंटू प्लस टू वाई वन अपॉन थ्री, ये हो जाएगा अपना थ्री के प्लस वन अपॉन टू। ऐसा होगा क्या? यस सर। अब इन वैल्यूज को कहां रखना है? एक्स वन वाई वन को यहां रख दो, क्यों बेटा? यस सर। सही चल रहा है? यस सर। देखना रख करके क्या बनता है, 3h अपॉन 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम 3k प्लस 1 अपॉन 2, 9h स्क्वायर, 9h स्क्वायर इक्वल टू 8 कुछ माइनस प्लस या कोई गलती हुई क्या? भाई 8 वाले के हिसाब से वैसे तो ये बन रहा है अपना, यस सर, है ना? लेकिन ये कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं थोड़ा सा। वैसे सी ऑप्शन आ गया अपना एक तरह से, तो अगर हम टैली करें एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू या कुछ देखें तो ये बस 12 का गड़बड़ आ रहा, बाकी तो सी ऑप्शन हो ही गया। यस सर। ठीक है ना बेटा? यस सर। अच्छा, ये मेरे को लग रहा है ये हमने आज वो ले लिए रेसिपी अलग, उल्टे ले लिए हैं, ये ऐसे लेने थे शायद, क्योंकि पहले पॉइंट कौन सा बोला ये देख लो। हाँ, पहले ये पॉइंट है फिर ये पॉइंट है, तो ये अपने पास में एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू ट्रीट करने, समझ रहे हो? ऐसा कुछ शायद लग रहा है, ठीक है ना बेटा? ये आगे पीछे हो गए हमारे, हमने ऑर्डर बदल दिया। हाँ, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी हम पहुंच गए अपने सी पर। आगे बढ़े। Yes. इसमें है let a line y equal to mx intersect the parabola y square equal to x at point P other than origin. Origin छोड़ करके किसी और point पर y equal to mx जो है वो मिलती है। Let the tangent to it at P meet the x-axis at the point Q, ठीक है? Area of OPQ, triangle OPQ 4 है, आपसे M पूछा है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है ना बेटा? Yes. चलो लगाते हैं।
सही चल रहा है बेटा? देखो उसकी बात सुन, ये आपकी क्या है, इसे इंटरसेक्ट करती है, तो मैंने क्या करा, मैंने ना वैल्यू रख दी वहां पर वाई, ठीक है। क्या मेरे को ये समझ में आ गया? यस। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहां ये तो जीरो हो जाएगा, है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा वन अपॉन एम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. तो मैं ये कह सकता हूं कि पी पॉइंट जो बना वो बना वही वन अपॉन एम स्क्वायर और वन अपॉन एम से, ऐसे बना। क्या कहते हैं आप, बन गया अपना? Yes, sir. ठीक है। अब वो कहता है लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इट एट, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, जैसे लिखा वाई स्क्वायर, तो वाई इंटू वाई वन इक्वल टू, ठीक है भाई, एक्स के प्लेस पे क्या जाएगा भाई, क्या गड़बड़ हो जाता है इसका बीच बीच, है ना, इक्वल टू। अब ये अपने पास आएगा x प्लस एक्स वन अपॉन टू, ठीक है, इस तरह से आएगा। कर ले इसको इस तरफ ले लो भाई, ऐसा बना लो। क्या मेरे को ये समझ में आ गई बात, ये इक्वेशन ऑफ क्या आ गई, टेंजेंट क्या आ गई, कितना टाइम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। Yes. और वो कहता है मीट एक्स एक्सिस, तो वाई क्या हो गया अपना, जीरो। Yes. तो जब वाई जीरो जाएगा ये खत्म हो गया, एक्स हो गया माइनस वन अपॉन एम। इसका मतलब जो आपका पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट आ गया ये अपना, क्यू, क्यू पॉइंट क्या होगा, माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर कोमा जीरो। समझ रहे हैं आप? यस सर। ठीक है जी। अब आपके पास ये हो गया, ओरिजिन आपको पता ही है, ये आपका क्या आया था, वन अपॉन एम स्क्वायर कोमा वन अपॉन एम। तो क्या मुझे पॉइंट सारे मिल चुके? यस सर। डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट याद है मेरे को, ऐसे एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन, तो वन अपॉन टू। अब ये डिटर्मिनेंट में देखो, एक्स वन मेरा ओपी क्यू वाला है, तो ये हो गया जीरो जीरो वन, ये अपने पास पी, पी वाला हो गया वन अपॉन एम स्क्वायर वन अपॉन एम, और ये अपने पास वन, लास्ट में वन अपॉन एम स्क्वायर ये, और भाई जीरो और वन। तो पहले के ही रेस्पेक्ट में कर दो एक्सपेंशन, है ना, पहले रो के में क्या आएगा आपका, ये वन अपॉन एम की क्यूब, वन अपॉन टू एम की क्यूब। यस सर, वन बाई टू, ये अपना आंसर बना, ठीक है। यस। और ये कितना दिया है उसने भाई, वन बाई थ्री, यस फोर, फोर दिया है। तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा कि वन अपॉन टू एम क्यूब इक्वल टू फोर, एम क्यूब इक्वल टू कितना होगा, वन बाई एट। यस। तो एम अपना वन बाई टू, यस सर, वन बाई टू कह दो, पॉइंट फाइव कह दो, एक ही बात है, ठीक है।
0.5 या 1/2, दोनों ऑप्शन है। आगे चले, यस इसमें कह रहा है इफ वन एंड ऑफ फोकल कोड ऑफ ए बी ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स इज एट 1/2, -2 देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इट एट बी, ठीक है, फोकल कोड ए बी में से ना ए दिया हुआ है, बी निकालना है आपको, पहले फोकल कोड ध्यान रखना, ठीक है, वर्ड चलो देखे बेटा, इसका एक आपको पॉइंट दिया हुआ है ए 1/2, -2। अब आपको अगर पैराबोला के वेरिएबल पॉइंट लेने होते हैं तो ए टी स्क्वायर 280 इस टाइप के लेते हैं ना, yes. तो एक अगर ए टी स्क्वायर 280 है तो फिर ना -1/t टाइप का यूज करते हैं हम लोग, याद है मुझे, yes. तो वो वाला क्या बनेगा, a अपॉन टी स्क्वायर कॉमा -2a/t, क्यों, yes. यहां से a कितना बताओगे आप, 2। अब आप कंपेयर कर लो इसको और इसको, 280 = -2, यानी के आपका 4t - 2 हुआ, यानी t = -1/2। अब ये तो a के लिए था तो b यहां से निकलेगा और वो क्या बनेगा अपना, t की वैल्यू ये रख करके और a की वैल्यू अपनी क्या आएगी, 2 है ना वहां से, तो क्या हुआ देखो, 2 तो ये हुआ और ये अपने पास स्क्वायर, तो ये 4 कॉमा ऐसे बन रहा है ना क्यूब, बन रहा है कोमा। अब ये आ जाओ यहां पर -4 × 2, माइनस में तो ये प्लस हुआ, तो ये बना अपना b.88 हुआ, सोच लो, yes. अब इस पॉइंट पर उसने पूछा क्या, बी पॉइंट पर क्या पूछा है, टेंजेंट, yes. चलो निकालो जरा टेंजेंट बताओ, कौन सा ऑप्शन, चलो लगाएं, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो y के प्लेस पे आता है ना y × y1, तो 8y = 4 ब्रैकेट x + 8, 4 2 8 हो गया ना अपना, yes, आपने, अब ये हो गया 2y = x + 8, x − 2y + 8 = 0, ए ऑप्शन है, ठीक है बेटा,